कानपुर नगर निगम ने पीने योग्य पानी की जांच के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को पास करने में 30 जुलाई को नगर निगम के सदन में रखेगा। इसे लागू करने से पहले लोगों की आपत्ति और सुझाव भी मांगे गए हैं। जिन प्रतिष्ठानों में 20 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन्हें पानी की जांच अनिवार्य रूप से करानी होगी। प्रस्ताव के मुताबिक इसे शुद्ध पेयजल नियमावली 2022 कहा जाएगा। इसे लागू होने के बाद पानी की जांच के लिए नगर निगम को 4,500 रुपए देने होंगे। इसके अलावा पानी की जांच के आवेदन के लिए 100 रुपए देने होंगे और सैंपलिंग के लिए 500 रुपए देने होंगे। कुल 5100 रुपए में नगर निगम पानी की जांच करेगा। आपको बता दें, शुद्ध पानी की जांच के लिए खुद से आवेदन किया जा सकेगा। इसके अलावा नगर निगम भी पानी की जांच के लिए औचक छापेमारी करेगा। पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए और दूसरी बार पकड़े जाने पर 20,000 रुपए का जुर्माना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।